नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बागपत से बड़ी खबर के साथ। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। गद्दे बनाने की फोम फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में आने से लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। तो शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में लगी है आग। तो आग की चपेट में आने से लाखों का नुकसान। तो गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भयावह ये तस्वीरें हैं जहां आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। गद्दे बनाने की फोम की फैक्ट्री थी ये, जिसमें भीषण आग लगी है और आग का गुब्बार साफ इन तस्वीरों में दिख रहा है। तो आग की चपेट में आने से लाखों का नुकसान हो गया है। तो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज वन इंडिया पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री से निकलता काला धुआं, किस तरीके से भीषण आग लगी है, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है, मौके पर पहुंची हैं। गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में आग लगी है। तो आग की चपेट में आने से लाखों का नुकसान हुआ है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आग भीषण थी, कैसे ये आग लगी, क्या कुछ फिलहाल अभी हो रहा है? आपको बताना चाहूंगा, आज दिन बागपत के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के पास एक गद्दे बनाने की फैक्ट्री थी, उसमें भीषण आग लग गई है। वहीं पर फायर ब्रिगेड की कम से कम 10 गाड़ियां आग बुझाने में लगी है। देखा जाए चारों तरफ अफरा तफरी मची है। सामने ही एक इंटर कॉलेज है और उसमें परीक्षा थी, वहां पर बच्चों ने वहां से दूरी बनाई हुई है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कब यह फायर ब्रिगेड पूरी आग को बुझाएगी। अभी तक आग लगने की कोई भी स्थिति का पता नहीं लग पाया। उन्नति, आज सुबह निकलते ही आग लगी थी। जी उन्नति, बिल्कुल, देखिए लाखों का नुकसान हो गया है और किस तरीके से आकलन हो रहा है इस नुकसान का? उन्नति, अभी जिस तरह से जो फैक्ट्री के मालिक है उन्होंने कहना है कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का ये नुकसान है। आग लगी है, आग लगेगी। अब जो परिस्थिति अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि आग किस तरह से लगी है, लेकिन माना जा रहा है कम से 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए।